ईश्वर के आशीष से किन्नरों की दुनिया आम लोगों से थोड़ी अलग है। अपने आसपास के क्षेत्रों में खुशियों के अवसर पर गाते बजाते आशीष देते किन्नर किस समस्या से गुजर रहे होते हैं वो कभी किसी को नहीं बताते। किन्नर अपने परिवार से अलग जीवन जीते हैं। किन्नरों के बारे में काफ़ी कम जानकारी ही आम लोगों को मिल पाती है। हालांकि किन्नरों को समाज में एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, जिससे वे सभी हमेशा अपने आप को कोसते भी हैं। लेकिन हजारीबाग के मंडई कला में रहने वाले विभिन्न जिलों से आए लगभग 12 किन्नरों को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, ये हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, किन्नरों की ज़िंदगी किस तरीके से व्यतीत होती है, किन्नरों के प्रति लोग जागरूक हों, इसी के तहत विगत दिनों पहले एक निजी विद्यालय के समारोह में रितेश रानी जैन के सुपुत्र बासु ने नाटक का मंचन कर लोगों को प्रेरित किया था। आज इसका जायजा हम सीधे इनके घर से आप दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल की ये खास रिपोर्ट। हाँ बाबू, हम लोग के तो जीवन में नाच गाना है, बच्चों का आशीर्वाद देना है, पब्लिकों का आशीर्वाद देना है। इतना हम बोलेंगे, जिसको आशीर्वाद दिए हैं आशीर्वाद खाली नहीं गया, आशीर्वाद सबको लगा। हाँ, और यही बोलेंगे माता रानी से, जिसको जो कमी है उसका पूरा हो, जिसका रोजी ना उसका रोजी दे माता रानी, जिसका संतान ना उसका संतान दे, उसका जोड़ा है उसका बना रहे जोड़ा जन्म जन्म के। और हम लोग वही सहार पब्लिक के सहारे जाते, पब्लिक हाँ पब्लिक ये है कि मानता है खूब, किसी से गंदा व्यवहार नहीं, दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, जाते अपना नाच गाना करते हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी किए, कभी दुख भरी कहानी भी सुनाए कि मेरा जीवन में दुख है। पब्लिक ये होता है, पब्लिक है, पब्लिक जैसे करके जीवन पालन करे। सरकार तरफ से हम लोग तो मदद मिलता नहीं, लेकिन सरकार को देना भी चाहिए। हम लोग परिवार में हम लोग नहीं जाते, हम लोग भगवान ने ऊपर ने ऐसा बना दिया कि ऐसे गुरु गोसाई के घर में रहते, परिवार का हमको हम लोग नहीं जाते कभी भी। अपना गुरु गोसाई बाप मतारी सब मेरा गुरु गोसाई है, उन्हीं के पास रहती हूँ। कैसे स्ट्रगल किए यहाँ तक? हम लोग जब छोटा थे, छोटा में हम लोग लेके चले आए, हम लोग इसी में रहते, इसी में जीवन पालन होता है हम लोग का, सारा दुनिया इसी में कटा। अब जिंदगी हम लोग गुरु गोसाई के घर में जिंदगी कटता है, तो ऐसे उसमें समझाते हैं, समझाते प्यार से बोलते हैं कि नहीं भैया बाबू हमको दो, हाँ आज तेरा घर में रोजी हुआ है, महारानी करे कि तेरा जिए जागे अच्छा रहे, दुआ आशीर्वाद देता। ऐसा नहीं है कि दुआ आशीर्वाद हमको सारा दुनिया फैलता है, दुआ जहाँ देते हैं दुआ आशीर्वाद लगता है, तो वही फिर मान के अपने खुशी से जो देता है वही लेके हम लोग आता है, उसी से जीवन परवस्त हम लोग को होता है। बाप ने ही उसका साथ छोड़ दिया, सच्ची निभाया तूने। मैं भी चाहूँ तो मेरा ये पाप कम नहीं होगा, मेरा बच्चे मेरा ये पाप कम नहीं होगा। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। बाबा बाबा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए। मोनू अब यादों के कांटे सितने चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं।